हेलो व्यूअर्स, आज हम अशोक लेलैंड 4019 की पीआरवी रीसेट और वाटर इन फ्यूल फिल्टर रीसेट करेंगे। ये हमारे पास एक अशोक लेलैंड की गाड़ी आई है जिसमें पिकअप की इशू थी। तो अब हम हमारे जो जाल्टे स्कैनर है उसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कोड आ रहा है। कनेक्ट होने के बाद हम डायग्नोसिस पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व और वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर का जो कोड है वो एक्टिव है। तो हमें जो इसको रिजॉल्व करने है उसका प्रोसेस है, हमें जो पीआरवी है और विफ जो सेपरेटर है उसको हमें रिसेट करना है। तो हम ऑपरेशन डाटा में चलेंगे रीसेट वाले ऑप्शन पे, फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व। सबसे पहले हमें अपने 6 डिजिट की एक्सपर्ट कोड मोड डालनी होती है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि दो ऑप्शंस आ गए, एक ओपनिंग टाइम और एक काउंटर फॉर द प्रेशर। तो हम एक एक करके दोनों को रीसेट करेंगे, मतलब दोनों की जो वैल्यूज थी उसको जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग वाला किया है, तो देखिए आप यहाँ पे ये जीरो हो गया। अभी हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, काउंटर फॉर द प्रेशर रिलीफ वाल्व, और इसको भी रीसेट करेंगे जीरो पे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यूज जीरो हो गई। तो अब हम बैक चलेंगे और वाटर इन फ्यूल जो कोड आ रहा था वाटर इन फ्यूल सेपरेटर का, उसको भी रीसेट हम करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज आ रही है, तो इसको हमें रीसेट करके जीरो करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आगे बढ़े यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यूज जीरो हो गए। तो फिर से हम बैक जाएंगे और देखेंगे कि दोनों कोड जो है वो डिलीट हुए कि नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पीआरवी वाला कोड तो चला गया, तो अब हम इसको डिलीट करेंगे जो बाकी कोड से, और देखेंगे कि सारे कोड डिलीट होते हैं कि नहीं। डिलीट करने के बाद वापस डायग्नोसिस पे चलेंगे और देखेंगे कि जो कोड्स है वो इरेज हुए कि नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सारे कोड्स डिलीट हो गए। इसका मतलब है जो आपका पीआरवी और विफ का रिसेट था वो सही से वर्क कर गया। और यहाँ जब हमने इस व्हीकल की ट्रायल ली तो जो व्हीकल की पिकअप की इशू थी वो भी रिजॉल्व हो गई थी, और जो वो लोड लेने में इसका दिक्कत हो रहा था जैसे इस पहाड़ के रास्ते पे, तो वो भी इशू रिजॉल्व हो गई।